नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को भी मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की कहानी को। तो आज की जो कहानी है वो मुझे इसी थर्सडे को पता चली। मेरे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय है, उसका नाम है अजय। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पर एक लड़का रखा हुआ है हमारे ऑफिस ने, जिसका नाम है अजय। और वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहा था। जब भी उसका चेहरा देखो तो ऐसा लगे जैसे उतरा हुआ है। और इस भाई का नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि अपना सुख तो दुनिया के साथ बांट लेगा लेकिन अपना दुख कभी नहीं बताता किसी को भी। तो अब बताता हूँ आपको एक कहानी, मुझे पता चली कैसे। दरअसल थर्सडे को मेरे बॉस ऑफिस आए नहीं थे तो हमारा रूम बिल्कुल खाली, जिसमें हम लगभग 20-22 लोग बैठते हैं। तो आधे लोग तो या तो ऑफिस से गायब थे या बाकी लोग झुंड बनाकर बैठे हैं या फिर कोई सिर्फ वेब सीरीज देख रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं। तो वहीं हमारे रूम में एक भाई है रविंदर, तो वो बैठकर हॉरर मूवी देख रहा था और मोबाइल स्पीकर पे और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, सब सुन रहे हैं। भाई बॉस है नहीं, कोई काम कर नहीं रहा है तो डिस्टर्बेंस ऐसी कुछ फील हो नहीं रही थी। तभी सामने बैठे हैं, उस तरफ बैठते हैं एक अखिलेश भाई, वो कहने लगे कि भाई मुझे तो भूत प्रेत के नाम से ही डर लगता है यार, ये आवाज़ें बंद कर लो, मैं थोड़ा डर जाता हूँ ये सब सुन के। फिर आप जानते हैं बातों में बातें चलती हैं और भूत प्रेत की बातें चलने लगी कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो जहाँ सब लोग झुंड बनाकर बैठे हुए थे तो हम तीन लोगों ने भी अपना एक ग्रुप सा बनाकर हम तीनों कुर्सियां एक साथ लगा के बैठे थे, जिसमें है मैं खुद, आपका सूरज भाई, और एक है हमारे सीनियर जितेंद्र सर, और तीसरा था ये लड़का अजय। तभी जितेंद्र सर का और मेरा एक कॉमन सवाल निकला इसकी तरफ, क्योंकि जब भूत प्रेत की बातें हो रही थी तो ये लड़का कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा परेशान है इसी तरह की बाधाओं से। तो सबसे पहले जितेंद्र सर ने सवाल करा कि भाई अजय, कि तुम्हें कुछ दिन से कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने दिन हो गए तुम्हारे चेहरे पर हंसी हमने एक सेकंड के लिए नहीं देखी। पहले तुम चाहे किसी से ज़्यादा बात करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन दिखता था कि हाँ तुम खुश हो। क्या बात है बेटा, कोई बात है क्या? दरअसल जितेंद्र सर जो हैं वो हमसे एज में काफ़ी बड़े हैं, हमसे 2-4 साल छोटे उनके बच्चे होंगे। तो 2-3 बार इंसिस्ट करने के बाद कि बेटा बता, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, तो वो बताते बताते शुरुआत में ही रोने लगा कि सर वो जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी ना सर, उस लड़की की सर मौत हो गई, उसका देहांत हो गया सर। अब ऐसी बात अचानक से किसी के सामने आ जाए तो वो कैसा ही रिएक्ट करेगा, तुमने यार बहुत, मैं तो बहुत बुरा हुआ जाए। और मैं दरअसल जानता था कि इस लड़के की लव मैरिज होने वाली थी, घर वाले सब खुश थे, लड़की इन्हीं की कम्युनिटी की थी और सब ओके था। तो मैं, ऐसा क्या हो गया जय यार, लड़की तो बिल्कुल ठीक थी और हस्ट पुष्ट लंबी तगड़ी लड़की, क्या हो गया अचानक से? तो कह रहा है सर वो उसको ना लास्ट में माइग्रेन की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और 2 महीने के अंदर अंदर ही इतनी प्रॉब्लम हुई कि जब अगले दिन सुबह उठे एक दिन तो वो मरी मिली। मैं, यार ये तो बहुत दुख की बात है भाई। तो बात करते करते ये लड़का रोने लगा, जितेंद्र सर और मैं थोड़े से हम सीरियस हो गए भाई, जैसा एक नॉर्मल आदमी होता है किसी के देहांत की बात सुनने के बाद हम थोड़ा शांत हो गए। तो थोड़ी देर शांत होने के बाद अपने आंसू पोंछे इसने और जब बता रहा है कि सर आप लोग जो बातें कर रहे थे ना अभी, वो भूत प्रेत वाली और ये हो जाता है वो हो जाता है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि जिसके साथ ये होता है ना सर वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अब भाई उसकी बातें सुनने के बाद दुख तो बहुत था लेकिन ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ बताना चाह रहा है। तो मैंने ही थोड़ा जोर दिया उसे, मैं, क्या हो गया अजय, ऐसी क्या प्रॉब्लम है भाई, कहीं तेरी जो बता रहे तेरी मंगेतर की डेथ का कोई उससे कोई रिलेशन तो ऐसा नहीं है? कह रहा मेरी मंगेतर ही नहीं, मेरे घर में मेरी भाभी और मेरे गांव में बहुत सारी औरतों के साथ लगभग ऐसी ही प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा, मैं, भाई बहुत सारी औरतों के साथ मतलब? कह रहा भाई आप इमेजिन करोगे कि एक ऐसा गाँव है हमारा जिसमें लगभग 80% घरों में औरतों के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह का ऊपरी साया है ही है,
मैं क्या बात कर रहा है यार। अब क्योंकि लड़का इतनी सीरियस बात से अभी अभी कह के हटा है, तो ऐसे टाइम पे वो मजाक तो करने से ही रहा, तो वहीं जितेंद्र सर भी थोड़े भाई क्यूरियस हो गए कि यार क्या बता रहा है लड़का ये। हालांकि मुझे पता है कि राजस्थान से बिलोंग करता है और अलवर की तरफ इसका कहीं गांव है, फिर भी मैंने इससे पूछा कि मैं भाई एग्जैक्टली तेरा गांव है कहाँ। कह रहा सर आप कभी भी अगर दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाओगे तो आप मेरे गांव के सामने से होके ही जाओगे। मेहंदीपुर बालाजी और मेरे गांव में मात्र 10-12 किलोमीटर का डिफरेंस है, हम लोग 10-15-20 मिनट में ही वहां पहुंच जाते हैं। तो मैं यार तुम्हारे गांव के पास मेहंदीपुर बालाजी जैसा स्थान है और तू बता रहा है कि तेरे गांव में लगभग 80% लोगों को प्रॉब्लम है ऐसी। कह रहा भाई 80% औरतों को, एक भी आदमी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 100 औरतें हैं गांव में तो 80 क्या, मैं कह रहा हूँ 90 औरतों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है ही है। किसी के ऊपर कोई आता है, किसी के ऊपर किसी चीज़ की सवारी आती है, किसी के ऊपर बताता है कोई जिन है, किसी के ऊपर बताता है कोई कुछ है। तो मैं भाई इस तेरी जो मंगेतर थी उसकी डेथ का इससे क्या रिलेशन है। तो फिर आगे जो उसने बातें बताई जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, वो सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस गांव में जितने आदमी रहते हैं वो कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। एक तरफ घर चलाने के लिए कमाना और दूसरी तरफ सारी जिम्मेदारियां खुद निभानी। क्यों? क्योंकि ये औरतों को उन जिम्मेदारियों में शामिल नहीं कर सकते भाई। ऐसा नहीं है कि ये लोग दबा के रखना चाहते हैं औरतों को या ऐसा है, लेकिन उनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि 100 तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं जहां भी ये लोग दिखाते हैं कि ये औरतें ऐसा नहीं कर सकती, ये वैसा नहीं कर सकती। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि इनका गांव जो है वो मेहंदीपुर बालाजी से सिर्फ 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। इनके गांव की एक खासियत है जो उसने बताई कि मेरे गांव में जितने भी घर हैं वो सारे मेरे गोत्र के ही हैं। गोत्र आप लोग समझ सकते होंगे सरनेम। करा एक ही गोत्र के हैं और हमारे गांव में दूसरा कोई भी नहीं है। मैं चलो ऐसा होगा, छोटा सा गांव है तो पॉसिबिलिटी है इस बात की, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही परिवार के लोग आके बस गए होंगे। करा मेरे गांव में हर घर में कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा जितने लोग हैं सबकी सरकारी नौकरी है। मतलब किसी घर में एक नौकरी तो है ही है हर घर में, कहीं कहीं दो दो चार चार पांच पांच सरकारी नौकर भी हैं घर में। तो भाई ये तो बढ़िया बात है। और सर आपने सुना होगा कि मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद इस तरह की कोई भी बाधा होती है, भूत प्रेत कुछ भी, वो 99.99% ठीक हो जाती है। मन के हाँ यार ये तो मुझे पता है। कर आप मानोगे, मेरे गांव से आज तक जो कोई भी मेहंदीपुर बालाजी दिखाने के लिए गया है उनमें से एक को भी आराम नहीं मिला। सारे के सारे इतने परेशान हैं। और फिर पूछने लगा कि भाई जितेंद्र सर इतने उम्रदराज हैं और मुझे भी बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है, हालांकि से पता नहीं है कि मैं इस तरह की कोई स्टोरीज डालता हूँ या फिर मैं ऐसे किसी आदमी को जानता भी हूँ जो इस सब तरह की जो बाधाएं हैं उनका निवारण करना जानता है। लेकिन जब इसने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी से ही आराम नहीं मिला, तो मैं यार मैं किसी भगवान को थोड़ी जानता हूँ, मैं जिसे जानता हूँ वो भी कोई इंसान है, वो भी उन्हीं के नाम से पूजा पाठ करके और जो भी समाधान होता है वो बताता है। फिर मेरे मन में हुआ मैं यार एक बार पूछूं तो सही, मैं आज एक बात बता, क्या तू मेहंदीपुर बालाजी में विश्वास रखता है, तेरे परिवार वाले रखते हैं या फिर तेरा पूरा गांव रखता है? तो जो बात उसने बताई आप सुनोगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। उसने साफ सीधे शब्दों में मना कर दिया, कह रहे नहीं हम भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही विश्वास नहीं करते, हमें ऐसा भरोसा ही नहीं है कि भगवान है भी, क्योंकि अगर भगवान होता और मेहंदीपुर बालाजी में इतनी शक्ति होती तो हमारे पूरे गांव के साथ इस तरह की समस्याएं नहीं हो रही होती। मैं तो तुम बिल्कुल पूजा पाठ किसी भी तरह का कुछ भी नहीं करते हो। तो उसने बताया सर हम दिवाली पे भी पूजा नहीं करते हैं। अब आप समझ लो कि आप 100% हमें नास्तिक बोल सकते हो इस तरफ से, हम सिर्फ अपने कुल के जो देवी देवताएं जो उनको मानते हैं उसके अलावा हम किसी को भी नहीं मानते। मुझे थोड़ी सी शांति हुई, मैं चलो यार कम से कम अपने कुल के देवी देवताओं पर तो इनका विश्वास है। अब बातों ही बातों में और आगे बात बढ़ी तो जितेंद्र सर ने बताया कि यार हमने भी बहुत कुछ देखा है, हमने घर लिया था उसमें इस तरह की प्रॉब्लम थी, वहां पर बहुत सारे भूत प्रेत आत्माओं का बसेरा था
और आज तक हमारे परिवार के बहुत लोग परेशान हैं। तो होता ना, एक इंसान का दुख देखने के बाद इंसान अपना दुख भी प्रकट कर देता है, और ये परेशान तो था ही, और ऊपर से हमने इसकी दुख तिरक पर हाथ रख दिया। तब फिर धीरे धीरे इसने और आगे बताना शुरू करा कि सर, जो मेरी बड़ी भाभी हैं वो भी इन्हीं सब चक्करों में बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। दरअसल ये लोग तीन भाई हैं और शायद दो बहनें हैं। तो जो इसके सबसे बड़े वाले भाई की जो पहली वाइफ थी, अब तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन जो उनकी पहली वाइफ थी उनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। अजय ने बताया कि सर, नॉर्मल हम लोग जैसे सैटरडे इसको घर चले जाते हैं, फ्राइडे नाइट को घर चले गए, तो दिन की ही बात है, भाभी चूल्हे पर खाना बना रही थी। अब घर में सिर्फ यही काम है जो हमारे यहाँ औरतों को अलाउड है, सिर्फ खाना बनाना और कुछ नहीं। हमारे घर में औरतें कोई सफ़ेद चीज़ नहीं खा सकती हैं, कोई मिठाई नहीं खा सकती, ना ही बना सकती हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम लोग मना करते हैं, दरअसल हम लोगों ने बालाजी दिखाने के बाद जहाँ जहाँ भी धक्के खाए हैं दुनिया में, सब ने यही बताया कि इन्हें इस तरह की चीज़ों से दूर रखो, शादी ब्याह में मत जाने दो। तो भाभी को खाना बनाते बनाते ही जो भी चीज़ उनके ऊपर आती थी, कभी कोई बताता था कि जिन आता है, कभी कोई बोलता था कि कुएं में कोई भूत प्रेत है वो आ जाता है इनके ऊपर, तो वो चीज़ इनके ऊपर हावी हो गई। और ये कोई पहली बार नहीं था, ये बहुत बार हो चुका था, लेकिन आज पहली बार खाना बनाते बनाते अचानक से बैठे बैठे वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी और अपना सर घुमाने लगी, अपने बाल पूरे खोलकर इधर पटक उधर पटक, सारा जो आटा था, आटा सारा का सारा फैला दिया। अब सिर्फ मेरे पिताजी उस समय घर में थे, हम लोग थे जैसे बगल वाले घर में चले गए या फिर बाहर खड़े हैं घर के। जितनी देर में मेरे पिताजी ने आवाज़ दी, उतनी ही देर में भाभी ने अपना सर चूल्हे की जलती हुई आग में दे दिया, और हमें सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे होंगे आने में। इतनी देर में भाभी का पूरा चेहरा जल गया, सारे बाल जल गए, और जो भी उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी वो पॉलिएस्टर की थी कुछ, तो वो जलकर पूरी की पूरी भाभी के चेहरे पर चिपक गई। तो मैंने बोला, भाई तेरे पापा बैठे थे तो यार वही उठा लेते, वो बचा लेते या रोक लेते थे, जब तू बता रहा है कि पहले ऐसा हो चुका है घर में तो वो रोक तो सकते ही थे कम से कम। कह रहा, भाई एक रोना थोड़ी है, हमारे यहाँ एक रिवाज और भी है कि जेठ और ससुर बहू को टच नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि यार जब जहां जान की बात आ जाती है ना, तो इस तरह के रीति रिवाजों को थोड़ा साइड रख देना चाहिए। अब पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं। तो चलिए वापस आते हैं अपनी कहानी पर। तो पूरा जला हुआ शरीर देखकर सबसे पहले अजय घर में आया जब इसके पिताजी ने आवाज लगाई। अब देखते के साथ इसे पता तो चल गया कि क्या हुआ, इसके पिताजी ने तुरंत बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ, और इसने पूरा देख क्या हाल कर दिया अपना। तो ये और इसका जो भाई है जिसकी वो वाइफ थी, वो उठाकर तुरंत गाड़ी में डालकर इनको हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल भी इनके घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर। अब जाते जाते तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनकी आंखों में सिर्फ दर्द था, सिर्फ दर्द, और बहुत बुरी तरीके से तड़प रही थी और कुछ नहीं बोल पा रही थी। मतलब सोचो, जिसका पूरा फेस जल गया और आंखें तक जल गई थी उनकी। इतनी ही देर में एडमिट होने के 2-3 दिन बाद उनका देहांत हो गया। तो बताओ सर, हम कैसे ऊपर वाले पर विश्वास कर लें? अब क्या बोलूं ऐसे समय में मैं उसे, मैं भाई देख, जो ऊपर वाले ने लिख रखा है होना तो वही है, अब चाहे इस तरह की प्रेत बाधा समझ ले या कुछ भी समझ ले। अब मैं उसे क्या समझाता, मेरी समझ में खुद ही नहीं आ रहा था मैं बोलूं क्या उसको। मुझे आज पहली बार पता चला कि इस हंसते हुए चेहरे के पीछे इतना बड़ा दुख छुपा हुआ है। ये लड़का इतना दुख अपने दिल में लिए घूमता रहता है। बताते बताते लड़के की आंखों में आंसू आ गए, और फिर बैक टू बैक इसने बोला, सर आपको अभी याद है मैं पिछले महीने 10 दिन के लिए छुट्टी पर गया था मैं। हाँ यार, तेरे घर में शादी थी किसी की? तो उसने बताया कि हाँ सर, मेरे चाचा के लड़के की शादी थी। तो मैं, उस दौरान भी कुछ हुआ क्या? तो उसने बताया कि जिस दिन बहू घर आई और सब रिश्तेदार लगभग अपने अपने घर जाने की तैयारी में थे, तो किसी रिलेटिव ने जो लड्डुओं से भरी हुई परात होती है वो हमारे घर के आंगन में रख दी कि यहाँ से ले जा रहे हैं, चाचा का बगल वाला घर है, और बीच में जो दीवार है वो सिर्फ इतनी है कि 3-3.5 फिट की, तो किसी ने उस तरफ से पकड़ा कर और इधर रख दी, उस परात को उधर रख दिया।
उसमें जो हमारे गांव की बनी हुई बर्फी और लड्डू रखे हुए थे, बहुत सारे नहीं होंगे तो कम से कम 5 किलो होंगे। अब अभी तक इस बात को सुनने में कुछ अजीब तो लग ही नहीं रहा है कि भाई शादी ब्याह के घर में लड्डू बर्फी तो होना बहुत कॉमन है, क्योंकि रिश्तेदार जाते हैं तो घर वाले पैक करके देते हैं। मैं हाँ तो फिर कह रहा सर हम सबके सब जितने भी आदमी हैं वो चाचा के घर में छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करवा रहे हैं, भाई टेंट खुलवाना, सामान यहाँ से वहाँ रखवाना, ये सब कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद हम सबके सब अपने घर की तरफ आए, मैं, भाई, पापा, हमें कुछ काम था घर में, तो हम तीनों लोग घर में आए और वहाँ जो देखा वो सर नॉर्मल आदमी तो अपने जीवन में भूलेगा नहीं। भाई ऐसा क्या देख लिया तूने? क्या मेरी मम्मी और मेरी छोटी भाभी, मेरे जो दूसरे नंबर के भाई हैं उनकी वाइफ, वो बैठकर उस पूरी परात में जिसमें इतनी सारी मिठाई रखी हुई है वो गलती से हमारे घर आ गई, वरना हमारे घर कोई नहीं रख सकता रखता है, उस पूरी परात की जो मिठाई है उसको ऐसे खाने लग रही हैं जैसे हमने इन्हें पिछले कई जन्मों से भूखा रखा हुआ है। बहुत बुरी तरीके से दोनों हाथों से अपने मुंह में भरने में लगी हुई हैं बस, और खाते खाते हाँफ रही हैं। मैंने आवाज लगाई, मम्मी मम्मी, भाई ने आवाज लगाई भाभी का नाम लेकर, सुमन सुमन। अब सुमन सुने ही नहीं, कह रहा भाई भाभी और मम्मी को देख के ऐसा लग रहा था कि बोलना नीचे मेरी माँ है, मेरी भाभी है, भाभी माँ समानी होती है, कैसा तो जो दो जानवर खा रहे हैं और बहुत दिनों से भूखे हों और उनके सामने बहुत सारा मांस पड़ा है, वो इस तरीके से सारी की सारी मिठाई अपने मुंह में ठूसे ही जा रहे हैं, कह रहा। और हमारे सामने सामने जो पानी की बोतलें भर के रख देते हैं वो 2-2 लीटर वाली पेप्सी की बोतल नहीं होती सर, वो छोटी वाली भाभी हमारे सामने मुंह लगाकर 2 बोतलें एकदम बैक टू बैक पी गई। अब मैंने बोला, मैं भाई यार तुम्हारे सामने हो रहा था तो तुम रोक भी सकते थे। कह रहा हम रोकने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे थे उनको खाते समय, क्योंकि पहले भी कई बार जैसे जब इनके ऊपर इस तरह की कोई चीज़ हावी हो जाती है और रोकने लगते हैं तो ये पटक पटक के मारती हैं, मतलब 5-5, 6-6 लोगों से तो रुकती नहीं है, हम तो सिर्फ 3 ही थे और उस समय जो कुछ भी था वो इन दोनों पर हावी हो रखा था। कह रहा सर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई थी, हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये वापस नॉर्मल हो जाएं, होश में आ जाएं कह लो, या फिर जो भी चीज़ है इनके ऊपर से वो चली जाए, और हम एक तरीके से सोच लो इनके आगे सिर्फ गिड़गिड़ा आ रहे थे और कुछ भी नहीं। कह रहा भाभी 2 बोतल पानी की 2-2 लीटर की बैक टू बैक पी गई और सारी की सारी परात लगभग खाली, मम्मी और भाभी ने पूरी की पूरी परात साफ कर दी है। कह रहा सर है पॉसिबल कि कोई इंसान इतनी सारी मिठाई, वो भी 2 औरतें जिनकी खुराक सिर्फ 3-3, 4-4 रोटी की है, वो इतना सारा खाना खा जाएं, और इतनी सारी मिठाई खाने के बाद उन्होंने 2-2 लीटर की 4 लीटर पानी बैक टू बैक पी गई। फिर भाई ने बड़ी हिम्मत करके कि यार ऐसे करेंगे तो पेट फट जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम है ऊपरी वो तो है ही है। कह रहा भाई गया बड़ी हिम्मत से भाभी को पकड़ने के लिए, तो भाभी ने सिर्फ एक हाथ से झटका मारा मेरे भाई को और भाई एकदम साइड में गिरा, कि जैसे उसे सामने से किसी सांड ने टक्कर मारी है। हम भी भागे उसी तरफ भाई को पकड़ने के लिए, भाभी को पकड़ने के लिए, पापा मम्मी को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कह रहा मम्मी मेरी बुजुर्ग हैं, 60+ एज है उनकी, और वो दौड़कर छत पर चढ़ गई। हालांकि हमारा घर सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का ही है, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ टंकी रखी हुई है सर, हमारी आंखों के आगे देखते देखते जिस मेरी मम्मी को प्रॉब्लम चलने में भी प्रॉब्लम रहती है, वो एकदम भाग के चढ़ गई वहाँ। और इधर भाभी जो हैं फिर से पकड़ने की कोशिश करी मैंने और भाई ने, करा हमें धक्का देकर भाभी घर से बाहर भाग गई, और इतनी स्पीड में भागी हैं वो मैं क्या ही बताऊं आपको। फिर करा इतने ही पापा ने आवाज़ लगा दी चाचा के घर से, और 1-2 लोग और आ गए, वो लोग और हम सब मिलके उनको उतारने की कोशिश करने लगे कि भाई पहले इन्हें उतारें फिर उन्हें देखेंगे बाहर वो कहाँ गई हैं। और हमारी आंखों के आगे ही मेरी मम्मी ने फर्स्ट फ्लोर से सबके सामने ऊपर से छलांग मार दी। ऊपर से गिरते ही उनकी लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर आ गया और वो गिरते ही बेहोश हो गई। लगता है जो भी चीज़ थी उनके ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें सीधा ही सीधा नुकसान पहुंचाना चाहती थी और कुछ नहीं। उनके गिरते के साथ ही आधे लोग उनको संभालने में लग गए और
इधर लड़के लड़के जो हैं उनमें से जैसे मैं हूं और मेरा भाई, वो बाइक लेकर, बाइक खड़ी है घर के बाहर के, बाइक स्टार्ट करके, वो ऐसा ना हो कि वो थोड़े दूर निकल गई हो, बाइक स्टार्ट करके उनके पीछे गए हैं। और सर यकीन नहीं मानोगे, इतनी देर में हमारे घर से जो मेन हाईवे है, मेरा गांव में घर जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ है, हाईवे लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। और सर कुछ ही मिनटों में, मुश्किल से ये सब होने में 5 मिनट का टाइम लगा नहीं होगा, अब 5 मिनट में भाभी लगभग उस हाईवे तक पहुंच गई। और शायद जो भी चीज थी वो उन्हें इसीलिए ले जा रही थी कि उनकी किसी से टक्कर हो जाए या कुछ हो जाए, इन शॉर्ट उनकी जान को खतरा था। वहां हमने बाइक पे से ही शोर मचा दिया, जो भी गांव में और लोग थे, कह रहा सर लगभग सबके साथ इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो सारे जो आदमी लोग हैं वो सब एक दूसरे की हेल्प करने को तुरंत तैयार रहते हैं। कह रहा भाभी को सबने पकड़ा, हम कैसे कैसे उनको घर लाए वो हम ही जानते हैं। कह रहा उसके बाद भाभी को नॉर्मल करने में हमारी जान निकल गई, उनके ऊपर जो भी चीज़ थी वो उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाना ही नहीं चाहती थी। हम तुरंत किसी बाबा के पास गए दिखाने के लिए, और जब वहां दिखाया तो उन्होंने खूब तांडव करा, बहुत ज़्यादा। और कभी उस बाबा के सामने बताया कि मैं कोई प्रेत हूँ, कभी बताया मैं कोई आत्मा हूँ, कभी बताया कि मैं जिन हूँ, कभी बताया मैं कुएं में से आया हूँ, कभी कुछ 100 चीज़ें बदल दी उसके आगे। और सर उस बाबा ने भी हाथ जोड़ लिया उनके आगे, क्योंकि जब वो अपना जो कुछ भी कर रहा था वो करते करते एकदम बोलने लगा, भाई मेरे बस की नहीं है, जब तुम स्वयं बालाजी दिखाए आए हो तो ये मेरे काबू से नहीं है, काबू में करनी, अब तो अगर इसके मन में होगा तो ये चीज़ शांत होगी, नहीं होगी। मैं फिर क्या हुआ, कर सर थोड़ी देर के बाद अपना सर पटकने के बाद जब भाभी की चोट वोट लग गई, उसके बाद जाके कहीं वो चीज़ शांत हुई है। मतलब इन शॉर्ट वो मेरी मम्मी और मेरी भाभी का खून लेने के बाद ही शांत हुई। ये सोच लो कि उसने मेरी भाभी और मेरी मम्मी का खून पी करी पीछा छोड़ा, वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए, क्योंकि हमने जब पिछली बार किसी को दिखाया था तो उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि इन्हें मिठाई से और इन सब चीज़ों से दूर रखना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी इनके ऊपर। कह रहा है इसीलिए हम लोग पूरा ध्यान रखते थे कि इस तरह की कोई भी नियम ना तोड़ें जैसा हमें किसी ने बता रखा है। और सर आप इमेजिन करो, आप हमारा दर्द समझो कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे कहीं जॉब करते हैं, उसके बाद फ्राइडे नाइट को ही अपने घर पहुंच जाते हैं, और सैटरडे संडे आप समझ लो कि घर के जिस जो भी काम औरतों वाले काम भी है ना वो भी लगभग हमें करने पड़ते हैं, शादी ब्याह में किसी भी तरह का कोई काम है, कोई शॉपिंग है, सब कुछ। कह रहा और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं है, मेरे गाँव में क्या मेरे चाचा, क्या मेरे ताऊ, क्या मेरे अगल वाले बगल वाले सबके साथ लगभग ऐसी प्रॉब्लम है, 80% महिलाओं के साथ ये कॉमन है, किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ आता ही है, कोई कहीं किसी पेड़ पर कुछ है, उस पेड़ के आसपास जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक कुआं है बताते हैं उस कुएं में प्रॉब्लम है। कह रहे सर हम इतना परेशान है, और ऐसे समय में अगर भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया तो सर हम क्या ही करें। अब सुनकर भाई अजीब तो लगा ही, करा अगर आप किसी को जानते हो ऐसे किसी को तो बता दो, हम तो वहां भी दिखा लेंगे। तो मेरे कुछ कहने से पहले ही जितेंद्र सर ने बोला कि भाई तुम जो बता रहे हो कि तुम किसी को भी पूछते नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो तो मेरे देवी देवता रुष्ट हो रहे हो तुमसे। करा सर ये भी हमें कई लोगों ने बोल दिया कि तुम्हारे देवी देवता रुष्ट हो रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, हमने सब कुछ करके देख लिया, और मुझे तो ऐसा लगता कि ऊपर वाले ने, अगर ऊपर वाला है तो उसने सिर्फ हमें इकोनॉमिकली साउंड कर रखा है, बस हमारे घर में किसी तरह की कोई पैसे से कोई कमी नहीं है, लेकिन इमोशनली उसने हमें इतना वीक कर रखा है, क्या बताऊं मैं आपको। फिर जितेंद्र सर ने भी एक दो उपाय बताए कि यार एक काम करो, ऐसे कर लो, गंगा जी नहा लो, इसको दिखा लो, वहां दिखा लो। फिर इसने मुझसे पूछा कि भाई अगर आप किसी को जानते हो तो आप देख लो, आप जहां बताओगे मैं वहां चला जाऊंगा लेकर। अब मैंने बड़ा संकोच करते हुए इसे बोला, मैं भाई देख अजय बुरा तो नहीं मानेगा। कह रहे नहीं सर बताओ बुरा क्या मानना है इसमें, आप लोग जो कुछ भी बताओगे मेरे भले के लिए बताओगे, आप लोगों का मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। तो मैंने बोला यार एक काम कर, अगर और कोई विश्वास नहीं करता है ना तो एक काम कर, एक बार सच्चे मन से भगवान बजरंग बली की पूजा करनी शुरू कर दे, और कुछ नियम है उन नियमों के साथ
100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने घर में, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे बोला, भाई तूने सुना भी होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यार जिनके नाम से इस तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, उनकी पूजा करने से सोच क्या क्या हो सकता होगा। तो उसने एक तरीके से साफ तरीके से बिल्कुल एकदम स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं सर, मेरे वश की नहीं है और ना मेरा विश्वास। हाँ ऐसा होगा, और हमने देखा कि पता नहीं दिल्ली राजस्थान इनफैक्ट हरियाणा दूर दूर से लोग आते हैं जो उनका भला हो जाता है, लेकिन जो भी बालाजी के आसपास के गांव हैं उनमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, मैंने बहुत लोगों से सुन लिया, उनको कोई आराम नहीं होता है। तो फिर उसने बोला कि सर भगवान का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इस तरह की जो काली शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत आत्मा जिन भैरव पता नहीं क्या क्या नाम बताए उसने, कह रहे ये सब जरूर होते हैं। और जो आप बोल रहे हो ना हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान पे विश्वास करो, ये सब कुछ मेरी मंगेतर कर देख चुकी है, और हमारे घर से रिश्ता जुड़ने के बाद उसके साथ भी सेम ऊपरी चक्कर शुरू हो गए थे सर। वो अपने घर पे ही इतना परेशान थी, कभी अपने बाल नोचना, कभी कुछ करना, और सर उसके घर पर तो उसके घर वाले और वो खुद भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। आप बताओ उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। कह रहा मेरी दोनों भाभियों के घर वाले तक जब इस तरह की प्रॉब्लम हमारी भाभियों के साथ हो रही थी तो वो उन्हें अपने घर ले जाने को राजी नहीं थे सर। उनके यहाँ तो सब लोग भगवान को मानते हैं, तो बताओ क्या उनका भगवान पर विश्वास नहीं है। तो सर यही सब देख के ना, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे होगे, लेकिन सर हम हाथ जोड़ चुके हैं बिल्कुल, आपके पास कोई और रास्ता है तो बताओ। अब इस बात के पीछे वजह क्या है कि क्यों आराम नहीं होता है, अब ये तो मुझे पता है नहीं। तो मैंने उससे बोला, मैं यार कुछ तो ऐसी समस्या है, और दूसरा तुम बता रहे हो जब तुम उन पर विश्वास ही नहीं रखते हो, तो हो सकता है इसलिए तुम्हें वहां से आराम ना हो, एक बार विश्वास करके देखो शायद आराम हो जाए। कह रहा नहीं, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो कहीं को जो देख ले तो बता दो, बस सर इसमें तो कोई फायदा है नहीं, वहां हम कुछ जाएंगे ही नहीं अब। हालांकि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मैं चल कोई बात नहीं, क्योंकि यार जिसकी बजरंगबली खुद नहीं सुन रहे हैं तो उसके कौन ही सुनेगा उसकी। भगवान करे इसको आराम हो। भगवान बजरंगबली से मैं प्रार्थना करता हूं कि इसका और इसके गाँव का उद्धार हो जाए। लेकिन पता नहीं मेरे मन में ना कुछ शक है कि जिनका उद्धार स्वयं बजरंगबली नहीं कर पाए वो कोई इंसान क्या ही करेगा। लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसा भी इसके साथ होगा आगे मैं आपको अपनी किसी ना किसी स्टोरी के एंड में ज़रूर बताऊंगा कि इसको वहां से आराम लगा या नहीं लगा। तो आज की कहानी तो मेरे पास यहीं तक थी, और ये बताई मुझे मेरे ही ऑफिस के एक लड़के अजय ने, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। दरअसल मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो स्टोरी भेजते हो वो रियल नहीं होती हैं, लेकिन ये स्टोरी जब मैं उस लड़के के सामने बैठ के सुन रहा था तो मुझे खुद को एक बार को डर लग गया, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बैठ के मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करा उस समय। जैसे जैसे वो बता रहा था वैसे वैसे सुनने में बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो भगवान बजरंगबली और श्री राम उसके और उसके परिवार की रक्षा करें, सिर्फ इसी कामना के साथ हम ये स्टोरी यहाँ एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी एक और ऐसी ही एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। ओम नमः शिवाय। जय श्री बालाजी। हर हर महादेव। जय श्री राम।